भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर माँ को जितिया नसीब हो। पीछे ले लो ना, तो बारिश हो गई है जी बहुत तेज और हम लोग जो है भीगते भीगते अब कर रहे हैं खरीदारी। आप सोच रहे इतना भींग ही गए हैं तो अब पूरा भींग जाए। अच्छा दिया का छाता बहुत अच्छा है एकदम। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल है जितिया का नहायक है तो उसको लेकर के जो है करनी है खरीदारी। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश जो है जल्दी से खत्म हो जाए और बारिश खत्म हो जाएगा तो हम लोग निकलेंगे बाहर। अभी रुक गई है फिलहाल। अच्छा रुक गई है तो अच्छा है, तो हम लोग चलेंगे। सुबह से बारिश हो रही थी और एक बार भी रुकने का नाम नहीं है। बिल्कुल जी, और जो है शॉपिंग बहुत ही जरूरी है क्योंकि जितिया के नहायक है का सामान तो आना ही आना है, चाहे बारिश खत्म हो या कुछ भी हो हम लोग को निकलना। रात में 8 बजे तुमको जाना पड़े तो जाओगी लेकिन लेके आओगी। बिल्कुल जी हाँ। और बाकी आप से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग का जो जन्मदिन इस बार उस तरीके से नहीं मना। जी हाँ, इस बार हम लोगों ने जन्मदिन जो है उतना ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया क्योंकि हम थक गए थे बहुत ही ज्यादा। तो मनाया ही नहीं, इनका थोड़ा बहुत हमने किया। हाँ, तो जिया को लेकर के भी था कि जिया का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया। तो दोनों का जन्मदिन में मुश्किल से 11 दिन का डिफरेंस है तो दोनों का जन्मदिन नहीं मना। तो जिया का जन्मदिन जी हम लोग इसलिए नहीं मनाए क्योंकि उस समय जो है घर में कुछ हो गया था, हादसा। जी हम उसको हादसा ही बोलेंगे। हो क्या गया, नैसी दीदी का जो बेटा है उसका तबीयत हो गया बहुत ज्यादा खराब, हॉस्पिटल में एडमिट। हमारी एक चाची थी वह भी हॉस्पिटल में एडमिट। तो ऐसे समय में जो है अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में परेशान और यहाँ पर हम लोग जो है सेलिब्रेशन करें, अच्छा नहीं लगा। इस वजह से हमने नहीं किया। और इनका बर्थडे इन्होंने मना कर दिया थोड़ा बहुत, जैसा कि आपने क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे वैसा हमने किया लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो हम सोचे चलो सच में बहुत ज्यादा थक गए थे, 10 घंटे का ड्राइव था तो बोले चलो ठीक है नेक्स्ट बर्थडे करेंगे। और जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दीदी हम लोग चल रहे हैं मार्केट क्रियांश को लेकर के, जाना अभी जो है संभव नहीं है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और उसमें जो क्रियांश का तबीयत खराब हो जाएगा। बाकी जो भी कुछ लेना है जितिया के लिए तो बता दो। वर्तमान में तो कल के लिए बारिश है, सामान के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डाला तो कल परसों भरा जाएगा। कल के लिए झिंगली का पत्ता, अच्छा खल्ली और खाजा चढ़ता है, पुत्रवती खाजा चढ़ा है। अच्छा, उसके बाद फल सब्जी में साग नोनी साग उनका सब्जी झिंगली का सब्जी ये सब बनता है। चलो ठीक है, तो ये सब्जी लेते आएंगे, सब सामान ले लेना, जो नहीं मिलेगा तो प्रभु का हाथ जोड़ लेंगे। डाली भी ले लेंगे और मंडाला जो कितना महंगा हो जाएगा बाद में। 60 रुपया। चलो कोई बात नहीं, इमरजेंसी है तो डाला ले लेंगे। और क्रियांश को मिल गया है अपना एक सेब, तो क्रियांश खा रहा है, खाता तो नहीं है बस खाली फेंकता है इधर से उधर। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर माँ को जितिया नसीब हो। तो निकल तो आए हैं जी मार्केट की तरफ लेकिन देख रहे हैं बारिश का थोड़ा बहुत लक्षण है, हल्का हल्का जो है बूंदाबांदी चल रही है। उम्मीद करते हैं ज्यादा तेज बारिश नहीं हो क्योंकि आज जो है खरीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ले लेते हैं जी टोकरी। तो जैसे ही टोकरी लेने आए हैं देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छोटा टोकरी मिल रहा है तो इससे तो काम नहीं चलेगा, तो चलते हैं मेन मार्केट की तरफ, वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। अभी हम लोग आ गए एटीएम सबसे पहले क्योंकि कैश बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, तो एटीएम आए, एटीएम से पैसे निकालते फिर चलेंगे। और अभी हम लोग आए हैं स्टेशन पे, कटिहार का स्टेशन है ये, तो ये देख सकते हैं कटिहार का स्टेशन। तो फाइनली हमारा कैश निकल चुका है, मुझे लगा काम नहीं कर रहा है, नहीं तो इतने सारे लोग उधर लाइन लगा के खड़े हैं। अच्छा तो SBI का सिर्फ SBI में निकलता है फिर जो विड्रॉल का चार्जेस जो होता है हाँ। वो नहीं लगता है इसमें। अच्छा। अदर बैंक में निकालेगी कुछ लिमिट होता है, एक दो बार या उससे ज्यादा में चार्ज लगेगा। अच्छा इसलिए। तो हम लोग पहुंच गए जी मार्केट, क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो कलर वाला देखो ले, कलर क्या हुआ? सबका रंग उड़ गया लगता है बारिश में। बारिश में कलर चल गया। टेप लेगी? ठीक है ले लो ना, और ये देखो बस। नहीं नहीं ये ऊपर से रस्सी है। ठीक है भैया, कैसे दीजिएगा कुछ काम कर दीजिए। तो हमने ले लिया जी यह दौरा ले लिया और हम लोग जब यहाँ खरीद रहे थे कुछ तो यहाँ देखे कि मोलू भी आ रहा है, इधर से गुजर रहा है। तो मोलू जा रहा था अपने काम से। यही देख लिया, हम तो देखे ही नहीं। अच्छा यहाँ पर बात है बारिश भी हो रहा है तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो थोड़ा बारिश कम हो जाए फिर निकलेंगे। इसको भी निकलना है इस साइड, हमको निकलना है उस साइड। तो टोकरी लेने के बाद जी अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ जिया ले रही है झिंगली, कल इसकी सब्जी बन रही है। हाँ वो मालूम है तो वो ले लेना। अच्छा साग वाग नहीं है इधर? अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी फेस्टिव सीजन है तो इस समय जो है इसका बहुत डिमांड रहता है क्योंकि ये बनता ही बनता है।
तो अभी ये जो है 30 रुपया पाव मिल रहा है, तो लगभग समझिए 120 रुपया किलो, जिसको मुझको लगता है 30-40 रुपया किलो से ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है। इसके बाद हम लोग को लेना है जी नोनी का साग, तो यहाँ पर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? 20 का पाव ले लो, एक पाव ले लो, क्या एक पाव ही सही रहेगा ना, दो दो सब्जी बनेगा कल। तो बारिश हो गई है जी बहुत तेज, और हम लोग जो है भीगते भीगते अब कर रहे हैं खरीदारी। आप सोच रहे इतना भींग ही गए हैं तो अब पूरा भींग जाए। अच्छा जिया का छाता बहुत अच्छा है, एकदम नेचुरल छाता है एकदम। उसके बाद देख रहे हैं झिंगली का पत्ता, देखो मिल रहा है क्या इधर, ले लो। तो पीछे है सब्जी का दुकान, तो शायद यहाँ मिलना चाहिए। बाहर इतनी तेज बारिश चल रही है और देख सकते हैं जी भीड़ में कोई कमी नहीं है जी, क्योंकि कल जरूरत है इन सब, बिल्कुल कल जरूरत है, तो बारिश हो या कुछ जरूरत पड़ेगा, सुबह भी बारिश होगी। तो बाकी सब कुछ तो ले लिया जी, बचा हुआ है फल और मिठाई, तो जिया सबसे पहले ले रही है फल, केला और सेब यहाँ से उठाना है, और यहाँ से लेकर के है ठीक है ले लेना कहीं और से। बूढ़ा भींग चुके हैं, अब अच्छे से भींग लेंगे, बहुत ही से भींगे भी नहीं है। लेना था सेब, तो जिया यहाँ पर सेब ले रही है अपना, तो जल्दी से ले लो जिया, ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जी अपने एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं तो दोनों साथ मिल करके शॉपिंग कर रहे हैं। तो बचा हुआ है जी झिंगली का पत्ता, अपना ले रही है, कहीं और मिल नहीं रहा था, यहीं पर हम लोग को मिला तो ले रहे हैं। आजा आजा। तो सब कुछ ले लिया जी, अब बचा हुआ है खाजा, तो जिया यहाँ ले रही है। अब बची है जी आखिरी खरीदारी, तो हम लोग आए हुए हैं इस दुकान, तो जिया को कुछ लेना था यहाँ पर ले रही है, और कुछ कुछ पूजा का सामान सब भी यहाँ पर लेना था, तो जिया ले रही है ग्रीन टी, भगवान जाने कैसे पियेंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे। तो 25 पाउच है, तो करिए पहले इस 25 पाउच को ख़त्म कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। कि हम लोग घर आ गए हैं और हम लोग जो है पूरी तरह से भींग चुके हैं, तो जल्दी से जा करके अपना सारा ड्रेस चेंज करते हैं। रूम में पानी गिर रहा है, रूम में पानी गिर रहा है ना, कोई बात नहीं, पोछा मार देना है आप अच्छे से। तो जल्दी जाते हैं ड्रेस चेंज कर लेते हैं, और कल है जीतिया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हम रहते हैं वो जो खाजा होता है ना जी मिठाई, वो खाने को लेकर के जब भी जीतिया होता है तो वहाँ खाजा हम बहुत खाते हैं। तो हमने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और बाल पूरा गीला हो चुका है। हाँ जी, और हमने भी जो अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और मजा आ रहा है, बारिश में भींग के आंखें तो भींग की लाल हो गई है। भाई साहब बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही, बारिश देख रहे और भी तेज हो गई है। ओ भाई साहब ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है। हे क्रियांश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है सामान सब देख लो, जो सब सामान आया है इसमें कोई भी कमी बेसी हो तो बताया जाए। बीच में हमारी स्थिति जो हो गई हम क्या करें, ओए क्रियांश किधर भाग रहा है? गेट पे बारिश पड़ता है तो कौन है कौन? हाँ बच्चा का सामान है और बच्चा की माँ का भी सामान है, और सब को टेबल पर वहाँ रख दे, खोल करके पंखा लगा सब सूखेगा तो सारा भीग जाएगा। ये तुम्हारा सारा यहाँ पर्व का सामान। अच्छा झिंगली का पत्ता नहीं मिला कहीं भी? कहीं भी नहीं मिला। वहाँ भी चले गए पेंटी चौक पर, सुबह जाएंगे तो वहीं गए थे हम। बरसा में क्यों बैठेगा माँ? इसमें वो भी नोनी का साग भी है, नोनी का साग अलग है, इसमें कौन सा है? एक तो घिनारी का साग और एक ई पोए का साग है। ये कौन सा है? पोए का। अच्छा ले रहा था, मिलेंगे मतलब यहाँ पोए कहा जाता है, हम लोग यहाँ पोड़ो का, हम लोग पोड़ो साग, ये मिठाई है शायद चढ़ाने वाला। क्या हो गया? ये नोनी का साग है, यही है नोनी का साग। हाँ, वैसे अच्छा लगता है नोनी का साग हम खाए। ये पोए है, ये नोनी साग है, घिनारी सबको मिला के बना लिया। केला ठीक ही दिया, सब केला 7 रुपया दे दो। कीड़ा और ये सेब, ये झिंगली, झिंगली सेब भी है, सेब भी है, और ये खल्ली है आपका। खल्ली हो गया, सबसे हो गया ना सारा आइटम, बस खाली झिंगली का पत्ता बच गया। हाँ और तुमको क्या चाहिए? आपको कपूर ले लिया बाबा, पूजा का है देखो ना, तुम्हारा पूजा का सामान फेंक रहा है। वाह उसको अपने भगवान।
और क्रियांश के पीठ पर देख सकते हैं ये गंदा लगा हुआ है। क्या किया ये अभी, वहाँ जो गाड़ी है सीधा गाड़ी के भीतर चला गया ये एकदम उल्टा साइड से। The next day. तो क्रियांश को मैंने नीचे छोड़ दिया और आ गई हूँ ऊपर। ऊपर पतिदेव कर रहे हैं काम, तो मैंने उनको ग्रीन टी भी बना के दे दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं पतिदेव कर रहे हैं काम। और इस रूम का इतना कचरा बना के रखते हैं ना ये आशिक। इस रूम को जो है कचरा बनाने में दोनों का बराबरी का सहयोग है। इसमें तो बिल्कुल आप ही का सहयोग। टेबल पे चलो मेरा है, लेकिन ये दौरा सब इस पे कहां से वो आपके बेटे का सहयोग है, उसको चीर चीर के वहाँ रखा है, उसके ऊपर रखा हुआ है। बाकी चलो गैजेट है कोई बात नहीं। ये क्रीम कहाँ से आ गया? वो आपने रखा है? हमने नहीं रखा है, इस क्रीम का कोई काम ही नहीं है। उसके बाद बाकी पीछे देखो क्या हाल है। वो मैंने किया है जिसको मैं ठीक करूंगी। और यहाँ पे है आपका ग्रीन टी, दो मिनट हो गया, जल्दी से पी लीजिए। कैसे पियेंगे भगवान जाने, लाइट जला दो, अंधेरा लाइट है। उतना भी खराब नहीं लगता है। लोग कहता है ग्रीन टी महंगा है, महंगा है, 6 रुपया 6.5 रुपया का पाउच पड़ता है एक, है ना। 10 रुपए का तो चाय मिलता है, दूध का चाय। अगर आप जोड़ते हो 25 था इसमें, 10 रुपया बाहर में नहीं मिलता, घर में थोड़ी से मिलेगा। फिर भी आप दूध का खर्चा जोड़िए, चीनी का, चाय पत्ती का। सही बात है, इसमें खाली ग्रीन टी का खर्चा है। हाँ, और पानी का। कहाँ भागा? नहीं भागा तुम, गौरा नहीं भागे। देखिए गुंडा कर दी, देखिए जब तक सोचे हम लोग कि इसको पकड़ेंगे तब तक ही चला गया। वो शैतान है। लाइट लगाइए। डैडी बोले कि पोछा लगा इसको थोड़ा पकड़ो, जैसे डैडी उधर गए भाग गया। जब तक मेरे दिमाग में आई बात तब तक ही चला गया। बात कहेगा नहीं दादी को? बात बोली कहेगा दादी को? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। दूध पिएगा तो नहीं? नहीं नहीं गाड़ा, नहीं नहीं दूध पिएगा, दूध पिएगा लल्ला, दूध पिएगा, दूध पिएगा। कहाँ जा रहा है? अगर भागेगा तो चमड़ा तोड़ देंगे, समझा। तो यहाँ पे बन रहा है ओल की सब्जी, देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है अभी। और इधर झिंगली और चना का सब्जी, इसमें झिंगली और चना की सब्जी। और क्या बनेगा? साग बनेगा, मूली का साग, नहीं आ रहा गोदी में, उतार दीजिए नीचे। मिक्स साग बनेगा जो टेबल पर रखा हुआ है, नोनी का साग और वो नोनी गन्हाड़ी और पोई का पत्ता, मूली का पत्ता। और वैसे हम लोग के इधर वो भी बनता है ना मछली, लेकिन आप खाती नहीं है। मुझे तो मछली और मड़वा का रोटी। हाँ, लेकिन हम वैष्णव है, पहले खाते होंगे। हाँ, वैष्णव नहीं थे पहले, वैष्णव नहीं थे तो खाते थे। हाँ, लेकिन वैष्णव है, मड़वा का मतलब है कि कोई चीज निषेध नहीं। हाँ, किसी भी वैष्णव को मड़वा का रोटी नहीं खाना चाहिए। हम नहीं खाते हैं, जहाँ तक ये परंपरा की बात है, अपनी माँ दादी सबसे सीखते आए तो वही है, तो मुझको भी नहीं आता था, बाहर पढ़े लिखे इस बात से क्या जानकारी। लेकिन माँ दादी सास, सास तो है नहीं, चाची सास है, बड़ी बहन है जो मेरी जेठानी है, तो सीखते आए इसी तरह, सब सीखता है और हमसे हमारी बहू सीखेगी। चैनल चलता है, भगवान पीढ़ी देते रहे, सब एक दूसरे को सिखाते रहे, पर्व चलता रहा। और भगवान की दया होगी तो हर माँ को जितिया नसीब हो। तो आज है जी जितिया का नहाए खाए, तो नहाए खाए की जो है आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, ये भी बधाई दे रहा है, दे दिया बधाई, ठीक है। तो नहाए खाए का वीडियो तो आज नहीं दिखाएंगे जी, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वो अगले वीडियो में, क्योंकि अभी तैयारी ही चल रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।